असल नाजरीन स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया नाजरीन क्या मैं पाकिस्तान के छिहत्तर साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं बहसीत कौम हमने जिस मुल्क के हसूल के लिए जद की और बहुत सी कुर्बानियाँ दी उसके बाद क्या हम उन मकासद को हासिल कर पाएँ इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद खान साहब को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब खैरियत से इनायत अल्लाह का फजल आप अच्छे हैं जी अल्लाह का करम है छिहत्तर साल बीत के पाकिस्तान बने को जी हम जिन नारों की बुनियाद पे अपनी बड़े सगीर पाक हिंद की पूरी मुसलमान कौम को कन्विंस कर पाए थे कि ऐसा खिता एक होना चाहिए जहाँ मुसलमान एक अलहदा कौम की हैसियत से रह सकें और उन्हें अपने रसूमो रिवाज को न सिर्फ अदा करने की आज़ादी हो बल्कि ख़ि ज़मीन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो अल्लाह के निज़ाम के साय में ज़िंदगी गुजार सकें और उसके लिए एक वाज सलोगन था नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला अला मोहम्मद रसोल्ला छिहत्तर बरस गुजरने के बाद हम कहाँ खड़े हैं आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट मौजु के ऊपर इन शुश होगी सैर हासिल गुफ्तु हो आपका सवाल इंतहाई वाजिब टाइमली और अप्रोप्रिएट है मगर चूँकि जिस तनाजुर में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ तो शायद हमें कुछ तारीखी हवाला देने पड़े हवाले हों कुछ फ़लसफियान हवाले हों कुछ मजहबी तौर पर हों और अब और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पोलिटिकल और इकनॉमिक हमारा जात हो लेकिन तो शायद अगर हम एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे जंप करें इस तनाजु में तो आपको कबाहत तो नहीं होगी कोई हर्ज नहीं शुक्रिया अगर हमने तमाम एस्पेक्ट्स को ही कवर करना है तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या इन टोटेलिटी क्योंकि पाकिस्तान इंसानी तारीख में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक अजूबा है जैसे आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव एंड येट वेरी ब्रीफ अच्छी बात तो इंट्रो में कहा कि मुस्लिम एक खत्ते में अपनी आइडेंटिटी को पहचान के उजागर कर सके तो खत्ता कुछ भी करें वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता था आप सारा मिडल ईस्ट ले लीजिए आप मिसर से शुरू अफ्रीका के शुमाल मशरक में और आप फिलीपींस तक चले जाएं तो आपको एक बेल्ट नजर आती है आप हमारा के उस पार भी चले जाएं तो आपको वहां भी एक नजर आती है पार्ट ऑफ चाइना वो तुर्किस्तान वगैरह का मगर हिंदुस्तान में क्यों इस पे हमें थोड़ी सी तारीख पे जाना पड़ेगा तो देखिए हिंदुस्तान बजात खुद ये एक जियोग्राफिक जोग्राफ़िक है और शायद इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा जब बर सब कॉन्टिनेंट ज़्यादा आसानी से कहते हैं इस पे किसी का इन्फ्लुएंस हुआ किसी एक शख़्स का तो ना तो वह अशोक था ना चंद्रगुप्त मौर्या था ये औरंगज़ेब आलमगीर था और पचास साल की उसने हुकूमत की फोर्टी नाइन ईयर्स तो आधा वक्त शुमाल में पच्चीस साल और आधा वक्त जुनूब में क्या है सोलह सो अट्ठावन में शायद उनकी ताजपोशी हुई ताजपोशी की एक भाई को कत्ल किया एक कोहा ऐसी? हाथी के पाँव नीचे रोचा किसी की आंखें निकाल दी जो बात से करते चले आए होता और आजकल फॉर्म इकोनॉमिक फॉर्म में अभी भी हो रहा है आप देख लीजिए सारी दुनिया में तो वेरी इंटरेस्टिंग डेट 18 1658 58 एन सिक्स उन्नीस सौ सैतालीस अठारह सौ सत्तावन फिर सोलह सो सत्रह सौ ये एक साल का जो गैप है ना ये हमारी तारीख पे बड़ा असर है इसका हर सौ साल के बाद जी आपने गौर किया हो इसके ऊपर तो फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान मैन हैसल टेरिटरी एक बादशाह के उसमें आया और औरंगजेब एक अजीब वरीब इंसान था एज एन इंडिविजुअल बादशाह पाकिजा सखी अल्लाह से डरने वाला मगर एज बादशाह आपने बड़ी अच्छी बात की अपने भाइयों का कत्ल करके रिश्तेदारों को मार के आगे पीछे और मज़हब के मामले में कट्टर था एक्सट्रीमिस्ट और दीन के मामले में और भी था मगर मैं मज़हब पे आऊंगा क्योंकि मजहब और दीन मेरी नज़र में एक चीज नहीं है नहीं। दीन अल्लाह ताला की दीन है और मजहब इंसान शिया सुनी बरेलवी दियोबंदी तो औरंगजेब इस मामले में काफी था उसके बाद जो हिसाब शुरू हुआ उस वक्त ये समझिए कि मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में उर्ज था कहने का मतलब है। और पचास साल बाद वो एक्सपायर सत्रह सो सात में पचास साल बाद अगेन अठारह सो सत्तावन में सब लुपेट दिया गया। लुपेटा गया था तो हुआ क्या उस जमाने में अंग्रेज आ गए अब उनके लिए सब कॉन्टिनेंट एक जोग्राफिक एंटिटी थी mm -hmm. और उस वक्त ये आमाजगा थी सारे यूरोप की सही यहां पर अंग्रेजी भी थे पोर्चुगीज़ भी थे स्पेनियर्स भी थे सही और अंग्रेज भी थे फ्रेंच भी थे एज ए मैटर ऑफ फ्रेंच टीपू सुल्तान के साथ थे Say. और उन्हीं दिनों की बात करें तो नवाब सराज उदौला पचास हजार की फौज उसको तीन हजार अंग्रेजों ने हराया और फ्रेंच इनके साथ थे हराया क्यों मीर जाफर थे बीच में वन उनके पास तोपे भी थी हाथी भी थे लोग भी थे बात हो रही है इस्लाम की मुसलमानों की इस आइडियोलॉजी की अभी बात हुकूमत की वहां पे कहते हैं इस्लाम फोर्सेबली लाए थे एन टू एन एक्सटेंट ये ट्रू है टू एन एक्सटेंट जैसे आटे में नमक ये नहीं कह सकते कि नमक नहीं है शायद ऐसे थोड़ा ज्यादा भी हो मगर बाय एंड लार्ज इस्लाम भाईचारे से सूफिया कराम से और इनकी तालीमात से आया जी अब अगर फोर्सेबली किया होता औरंगजेब की बात मैंने जान के की तो सारा हिंदुस्तान मुस्लिम हुआ होता फोर्सली याद रखिए उन्हीं दिनों सिख मजहब भी उजागर हुआ था और गुरु नानक साहब थोड़ा पहले थे मगर औरंगजेब ने उनके गुरुओं को छठे साथियों को चुन चुन के एक दो को तो मारे एक दो तो छुप के कहीं कही, जान बचा के भागे तो जो इस्लामर गैर मुस्लिम जी। वो तो तनाजुर उस जमाने से चल रहा था ठीक है अंग्रेज के जमाना आया अंग्रेज का जमाना आया तो फिर एक वो फॉर फरवाइल एक जिसे गदर कहते हैं ये कहते हैं हम लोग जंग आजादी कहते हैं ये तीनों का एक मगलूबा सा था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी

जो बुनियाद है इस इलाके में अब अभी छिहत्तर साल हो गए तो हम क्यों नहीं बने नहीं। मैंने जान के वहाँ से शुरू किया देखिए हम डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं आजकल की दुनिया में यूरोप में तो उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ उनकी नैसों भी आई थी उनकी देखें इजादात किया थी जब हमारे यहाँ तानसेन और मुलादो प्याजा टाइप लोग थे तो वहाँ पे न्यूटन और अलेक्सांडर ये लोग यूरोप में उभरे थे और उससे पहले हमारे यहाँ जो उन्होंने लगे अल इस कस्म के अलरुश्त वो पांच पांच छह सौ साल का गैप पर वो पांच छह सौ साल बन चुके हैं वो गैप था तो एक तारीखी सर्कल है जो पांच सौ साल छह सौ साल में आता है जैसे सल्तनत उस्मानिया छो साल की अब ब्रिटिश हम देखे 300 तीन सौ साल हाफ ऑफ छः सौ साल पाँच छः सौ साल सही जो हम बात कर रहे हैं आपका सवाल बहुत गहराई में जाता है कि ये हमारे ऊपर हो क्या गया तो हमारे यहाँ टू थ्योरी फाउंडेशन बनी अब एक क्विक फास्ट फॉरवर्ड जंप करें तो फलसफे पाकिस्तान हजरत लामा इकबाल कॉन्सेप्ट आपने अपने खुद्वे खुद्वे में, में, 1930 हाँ। में, में। और उसके साल के बाद आप गए 37, 38। नाम पाकिस्तान का एक पंजाबी स्टूडेंट स्टडिंग इन कैम्ब्रिज हरूफ में के पंजाब का पे लेके तो कश्मीर का के लेके के बीच में तो तमाम अपने पाकिस्तान बना दिया उस बेचारे को पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली जूते मार के भगाना पड़ा अलामा इकबाल जब आपने खुदबा आपको लीडर ही नजर आ रहा था मुसलमानों के, के आपने इंतहाई अमीर गहराई में मुताला किया था यूरोप जाके सब कुछ आप सब कुछ थे फलसफी थे ठीक है स्कॉलर थे लॉयर थे एक चीज नहीं थे प्रैक्टिसिंग hmm. पॉलिटिशियन नहीं थे सही प्रॉब्ली ही वाज वाज मोस्ट अनसक्सेसफुल ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इसमें जाते नहीं थे hmm. हद ये है कि वकालत की टॉप ऑफ द लैंड के पांच छह सौ रुपए आगे महीने गुजारा हो गया वकालत ही नहीं कर अपने बैठ के ख्याल में गुम ठीक तस्वो सूफी थे जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग अपने कहते हैं कि इसकी क्लीन शेवर मत जाओ इनकी दाढ़ी पेट में है आपने इसे, इसे, हो। तो जब हम अपने बैकग्राउंड को देखते हैं वी हैव टू हिंदुइज्म तो यहां से पिछले तीन चार हजार साल से ठीक है इस्लाम आया इसने दहशत और वहशत नहीं की भाईचारे में किया और बहुत फैला यानी अगर आज हम बांग्लादेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुस्लिम मिला लें दे दे। और हिंदुओं को एक्चुअल हिंदू सिख पारसी ईसाई और साउथ के जो अपने आप को हिंदू नहीं कहलाते मगर वो भी बुद्धप्रस्त है तो हम तो हिंदुओं से मेजोरिटी में सब कॉन्टिनेंट हाँ लेकिन हम पांच जगहों में डिवाइडेड हैं खूबसूरत बात की ना आपने अब वहाँ पे हमारे जो डिवीजन है हमको जब ये अंग्रेजों के साथ बात शुरू हुई है बात क्या शुरू हुई है 1857 जी बोले जो म, मजालिम ढाए वो तो तारीख पे हर एक को आया जी है जी ऐसे ऐसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट उस वक्त दिया सर सैयद अहमद खान ने

इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट हजरत इकबाल ने फरमाया था एक रियासत की बात नहीं की थी नहीं। और आप देखें अब यूरोप का और सब कॉन्टिनेंट का एरिया तकरीबन एक है ठीक है आबादी हम लोगों की उनसे तकरीबन तीन गुना है सब कॉन्टिनेंट वर्सेज यूरोप उनके तीस मुल्क हैं हमारे दो हैं अब है। करिए तीन है और जो डिवाइड हुए जितने अभी थर्टी एट कितने सूबे बनते हैं इंडिया के पांच हमारे बनते हैं बंगाल के डिवाइड हुए तो वो सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी सूबे थे गर्वर कीजिए बंगाल और, ठीक। और, और पंजाब।, पंजाब पंजाब और अगर पंजाब में इसके खिलाफ मुहिम चली थी एक ये थी कि जब पंजाब को डिवाइड करेंगे मगर जब आप पंजाब की बात करते हैं तो टू नेशन थ्योरी तो फिर पीछे रह जाती है ऐसी ये इन बंगाल बंगाल में तो लोग समझ गए उसके दाई थे, थे, थे जी, के हम हम असर थे। जी मगर हमारे ये खिजर खांदान के लोग थे या यूनियन पार्टी थी तो दे एक्चुअली वारंटी पाकिस्तान कि पाकिस्तान को बनने नहीं देना हद आप हाँ बात करते हैं रिलीजियस स्कॉलर स्कूल ऑफ था देवबंदी हजरा वो अभी भी पाकिस्तान की जो इंडिया में है ना इनका दोग पाकिस्तान के खिलाफ है हालांकि हमने क्या चीज नहीं की के पी में अभी सेंट्रल बहुत सारे लोग मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं। वो अच्छी बात नहीं बनती हुई मैं सियासत में नहीं आना चाहता जी। सिर्फ तारीखी हक़ की बात कर तो हिंदुओं में कोई ऐसा नहीं था जो इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान नहीं चाहता था नहीं। और अब कमाल की बात इसके बाद आई एम श्योर और सवाल होंगे आपके दिमाग में मुसलमानों को हिंदुस्तान में अलग करके छोड़ने का क्योंकि हम लोग तो उनके लिए मलीच और जी टाइप है इसी, ना ऐसे ये आगाज इसका हिंदुओं ने किया था थिंक ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टी ठीक है शुरुआत इसके अंग्रेजों ने की जी और बहुत जल्द हिंदू इस पे छा गए थे आइडिया भी यही था उनका छाना भी वजह था क्योंकि तालीम में तजारत में आला आलादों पे वो टोटली हावी थे ऐसी हदी है कि जब एग्जाम्पल जब पार्टीशन हुआ है तो आउट ऑफ तो टॉप हंड्रेड ब्यूरोक्रेट्स mm -hmm. शायद लेस देन फाइव और मुस्लिम नाइन्टी फर्स्ट नाइन्टी सेकेंड पर mm -hmm. जाके हमारे ये आते थे जो तो ना तो मेजर थे ना जनरल थे सिकंदर मिर्जा mm -hmm. जो मीर जाफर के ग्रेट ग्रेट ग्रह थे तो ये तो तारीखी बातें हैं तो अर्ज ये थी कि जब हम पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं इट ऑन डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट कब होती है से होती है। ठीक बात है। एक अकेला तो दो ग्यारह वाली बात बन जाती हम लोगों में जब पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान पाकिस्तान फॉर पाकिस्तानीज बाई पाकिस्तानीज होगा अब जहाँ पाकिस्तान की बात आती है तो कोई मुख्तलिफ़ नारे लगने शुरू हो जाते हैं चाहे वो मज़बी हों चाहे इकनॉमिक बेसिस पे हों बाज रिलीजियस बेसिस भी होते हैं अब रिलीजियस यूनिटी की बात आपको बताता हूँ ठीक है हज़रतजम बहुत सारे लोग शायद मुझे उन पर हज़रत कहने पर ऑब्जेक्ट भी करें बट मेरे दिल से रिस्पेक्ट है ये उनकी उन्हीं कैबिनेट सात आठ मेंबर्स पे थी ठीक है उसमें हिंदू भी था मंडल लॉ मिनिस्टर उसमें कादियानी भी थे उसमें दूसरे लोग भी थे अब जब कादे आजम की थिंकिंग देखें जब माउंट बेटन ने पार्टीशन क्या थे थे के। वेल मिस्टर जिना आप किस किस्म का पाकिस्तान आपका ओरिएंटेशन और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा वो अपने सोच में <laughs> तो कॉन्स्टिट्यूशन बना बनाया भाई कुरान इज कुरानी हमने उसके ऊपर ये मुस्लत तारीखी जी आपको हवाले दे रहा हूँ मैं अब उसके ऊपर मुझे ये बताइए हमारे फाउंडिंग फादर ने और हजरत लामा इकबाल ने जी। इसी मौजू के ऊपर इन्हीं मुख्तलफ अल्फाज बेहतरीन अल्फाज में ये बातें कही हैं आजकल हमारे यहाँ पे अमल हो रहा है नहीं आपके सवाल का ये जवाब है सॉरी मैंने लंबी बात की और दिक 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 हुआ। उसका बताया मगर जाना लाना इसलिए था कि ये तारीख में और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने कही हैं वो आधी हैं शायद आपके जहन में सवाल आता हूँ आई एल बी हैप्पी टू आंसर सही मुझे ब्रेक के लिए उसके बाद में हम बात करते हैं नासन जहाँ वक्त हो ब्रेक का ब्रेक के बाद हम गुफ्तु के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे

ये बताएं कि पाकिस्तान के आपने बताया कि बनने से पहले के जितने कॉन्सेप्ट्स थे उनमें बिल्कुल कलेरिटी थी पाकिस्तान बन गया तो क्या हमने जो इब्तदाई उसकी फाउंडेशंस रखी यहाँ सिस्टम बनाने की वो फाउंडेशंस गलत थी या हम उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन तक जब पहुँच गए और हमारा एक इतफा के राय हो गया कि हमने किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसके मुताबिक फिर हमने निज़ाम ले चलना है तो हमसे फाउंडेशन के जो पिलर्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में कहाँ गलती हुई है कि हम आज तक जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन लेस चले जा रहे हैं थैंक यू बड़ा गहरा सवाल है कोशिश करूँगा को चंद्रपाल देखिए आपने कहा कि 47 से क्या हमें हम कोई ख़राबियाँ थी जो हम सही टेक ऑफ नहीं कर सके और फिर 73 में देखिए 73 में तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तबाह हो चुका था मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो पाकिस्तान अलहदा हो गया था। जी इस पाकिस्तान अब वो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री हम लोग इन वेस्ट पाकिस्तान आर इक्वली डिवाइडेड पहले हमारे साथ उधर डिवीजन होता था ईस्ट वर्सेस वेस्ट अब हमारे यहाँ अब हम सुबह का डिवीजन करते हैं या जात का करते हैं, 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 हैं बिल्कुल या फिर उसके तो अंदर तो ये फलाना मजहब का है ये मदान मजहब का है मुख्त ये गलत देखिए अमामा की तालीमा देखें ना जो फाउंडिंग फादर्स की थी कादिर आजम की देखें कॉन्स्टिट्यूशन की तो मैंने आपसे बात की जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पाकिस्तान जब एक है तो बांग्लादेश के टूटने के बहुत सारे वजुहत थी शायद उसपे हम अलग से प्रोग्राम करेंगे करेंगे एक बात मैं कहता हूँ ताकि फिर उसको अलग कर दिया जाए। जब आपने थ्रेट देख रहे हैं आपका कॉमन है और आपके तमाम वेस्ट पाकिस्तान में हैं। और आप कहते हैं डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान ये आपकी एक प्रोक्लेम स्ट्रेट तो कोताही थी इसके बाद बात नहीं करेंगे इसको तो वो कोताही 47 से लेके रिजल्ट हुआ सेवन में आपने सेवेंटी थ्री की बात की देखिए फोर्टी सेवन से सेवेंटी वन में एक कोताही बहुत बड़ी थी छोटी कोताहियां साथ साथ चल रही थी कॉमें बनती हैं लीडरशिप से सही। अभी आप पांच लाख लोग सड़क पर ले जाइए इट्स अ क्राउड मगर आपने अगर एक लीडर सामने रखा है तो वो एक जत्था नहीं बन जाता एक मुत ग्रोह बन जाता है जो अपने आपको रिकग्नाइज भी करेगा चाहे कौमियत के लिहाज से चाहे अपने मुतालबात के लिहाज से इसकी सबसे बड़ी मिसाल ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री रियात मदीना थी एक ही बंदा खड़ा हुआ था हद ये है कि खानदान के बंदे नहीं थे और आखिर में क्या हुआ रहमत अब पाकिस्तान पे अगर हम लगाएं क्योंकि हम क्लेम करते हैं और राइटली करते हैं रियासत मदीना के बाद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी। जी। आप जब पर्दा किए सैना रसूल और उसके बाद अगले दस पंद्रह साल ले ली जाएफराश दिन के तो ये तो रियासत मदीना नहीं थी नहीं। ये तो मेडिटेरेनियन से लेके तो ईरान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया था और ये हाफ ऑफ द नोन वर्ल्ड बाकी यूरोप वगैरह तो वो डार्क एजेस में थे ठीक है हमने क्या किया हमने अपने आप को एक इंतहाई की पोजीशन से अल्लाह सुबह तारे वो क्या नहीं दिया रिसोर्सेज की बात आती है जी जी उनके पास तेल है तो आगे चले गए उनके पास तेल था उन्होंने निकाला एक दो बंदों ने कंट्रोल किया आप देखिए जिन मुल्कों के पास तेल है बाज कहाँ से कहाँ पहुँच गए बाज इतनी सी हमारे शहरों जितनी रास्ते हैं और हम उनके पास बैगिंग बोल लेकर जाते हैं ऐसे हमारे पास रिसोर्स हर रिसोर्स का मतलब तेल तो नहीं है आप खाली रेकोडेक मनसूबे को देख लीजिए आप ईरान और सऊदी अरेबिया का तेल की वेल्थ मिला लें वो रेकोड डेक की वेल्थ से कम है हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं थैंक यू मैन पावर वो लोग मर रहे हैं जापान इंपोर्ट कर रहा है आगे पीछे हमारे पास यूथ बल्ज है आपने इंटरव्यू में बहुत खूबसूरत बात की कि 8 लाख बदे ट्रेन इंजीनियर डॉक्टर्स अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स जी प्रोफेशनल्स मुल्क से बाहर चले गए और हम ये रोज बना रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, और ये से रहे हैं काम। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये मुल्क के लिए अच्छा है या बुरा है अच्छा है नहीं थैंक यू इसका कसूर किसका है लीडरशिप का थैंक यू लीडरशिप क्रिएट की जाती है जो तो अक्वायर करें इसीलिए मैंने औरंगजेब की मिसाल ली थी औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पच्चीस साल शुमाल में और फिर पच्चीस साल जनूब में तो ठीक है नहीं। उसने अपने लिए कोई ग्रेट की की, तो ग्रैंड सन था शालम आलम सानी जिस बेचारे को तीन हजार की फौज ने पचास साठ हजार को जिसमें फ्रेंच भी थे चूंकि अंदर से थे मीर जाफर की बात कर रहे हैं जनाब ग्रेट सोल्जर टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ अंदर से पाकिस्तान की जब मैं मिसाल देता हूँ ये तारीख का नहीं हमारे यहाँ अंदर से ज्यादा नुकसान हो रही है या बाहर से अंदर से हो रहा है थैंक यू लेकिन एयर मार्शल से भी बताइए कि पाकिस्तान के पास लीडरशिप तो मौजूद रही है ना जल्फ अली भुटो की शक्ल में <coughs> जना जयालक जना मुशरफ और नवाज शरीफ बेनज़ीर भुटो पोलिटिकल लीडरशिप मौजूद रही यानी एक ख़ास फर्द पे हमारी कॉम किसी न किसी वक्त में फोकस्ड रही है और उसके मुताबिक हम अपनी डायरेक्शन जो है वो लेके चलते रहें लेकिन मसला ये है कि हम कंटिन्यूस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हमारे पास रिसोर्सेस आपने कहा सारी हैं वो रिसोर्स के बाद पोलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद है जिसने उसको आगे लेके चली मिल्ट्री लीडरशिप भी मौजूद रही ये नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही लावारसा था और इसके पास लीडर ही कोई नहीं था हर वक्त में हर दौर में हर ज़माने में इस वक्त भी आप देखें कि पॉलिटिकल आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास लीडरशिप कोई नहीं है इस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल बेदस्त हो है उसके सामने कोई मंजिल नहीं है कोई लीडर नहीं है कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसकी तरफ वो उम्मीद की नज़रों से देखें इस नहज तक हम पहुंच कैसे गए शुक्रिया बहुत अप्रोप्रिएट सवाल है पहुंचे नहीं हम पहुंचाए गए हैं आया नहीं हूं लाया गया हूं अब जहरा अपनों ने पहुंचाया ना बाहर वालों की क्या मचाल है मैं अलाउ कर अगेन तारीख में चले जाइए देखिए हम लोग इस बात कर रहे हैं एक जमहूरी सिस्टम की ये हम लाए हैं वेस्ट से ये जमहूरी सिस्टम वेस्ट में बना खाली अंग्रेजों को देख ले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हमने अपने छिहत्तर साल में उनसे ज्यादा अमेंडमेंट्स किए उनके और हमारे अमेंडमेंट्स तो पांच पांच मिनट में हुई हैं उनकी एक अमेंडमेंट को बहत्तर तिहत्तर साल लगे थे लॉन्गेस्ट मगर शॉर्टेस्ट भी कोई साल 6 महीने से जल्दी नहीं हुई नहीं। हमारे तो 5 मिनट में एमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की आपको याद होगा जैसे अब ये तो मैंने एक मिसाल दी हमारा जो इंटेलेक्चुअल और मेंटल रुझान है देखिए मैंने मुगलों से बात शुरू की मगर उससे पहले यहाँ से ले लीजिए सिकंदर आजम से पहले लीजिए तो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक था दूसरे राजगान थे फिर आते गए हमारे फिर मुस्लिम भी आए आप मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो जाइए तो शुरू में से तुर्क आए खानदा गुलामा तुर्क था ठीक है मुगल आए सेंट्रल एशिया से आए इनमें कौन सा यूरोपियन रुझान था कि जनाब हमने डेमोक्रेसी की बात करनी है वन मैन वन वोट और वहां पे एक ऑनर सिस्टम है जो हमारे यहां भी है हमारे ताजे सिस्टम में है जुबान पे भाव करके बैंक हो जाएंगे अपनी जुबान से नहीं फिरेंगे सही है हमारे यहाँ लीडरशिप में ये वसफ नहीं है अक्रॉस द बोर्ड हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ने बाहर से तो नहीं हमारे सर पे थोपा नहीं हमने अडॉप्ट किया उसकी फाउंडेशन है इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ठीक है उसके बाद उसको मॉडिफाई किया आगे पीछे उसको थोड़ा इस्लामाइज भी किया ओवर किया, सेटल हो गया ठीक है सेवन में और फिर लोगों ने बीच में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहा, मगर फंडामेंटल्स तो हैं, अब मुझे ये बताइए आपकी अदालतें हैं आपकी हुकूमत है आपकी ट्रायड है जी।, जी, जी, जुडिशरी, हाउ कम कि आजकल जो खबर है कि जनाब जुडिशरी के पास कोई फौज है उनके पास मॉरल अथॉरिटी है वर्ल्ड वॉर टू की मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हिटलर जब ये वसुल को मारवार दिया इटालियन ने तो ये अलग उसने तो कहा मैं इटली पे भी चढ़ाई करूंगा क्योंकि मॉस्को तक तो पहुंच गया था जैसे तो किसी ने कहा देखो इटली मत जाओ वो भी क्रिश्चियन हम भी क्रिश्चियन है तो वहां तो पोप है ना ये स्टालिन ने कहा था, स्टालिन ने कहा था, से ने कहा कहा था पोप वो क्या होता है ड्रामा कर रहा है उसको उसने कहा उसके पास कितने डिविजन है अगर उसकी मॉरल अथॉरिटी देखिए कितनी है स्टालिन की तो हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान है अच्छा लेकिन आइन को मोम की नाक तो ताकतवर लोगों ने बनाया ना कमजोर आदमी मेरे और आपके इख्तियार में क्या है ना कहीं ठीक है ना जुडिशरी अगर आज बेबसी का इजहार कर रही है कि हमारे पास कोई फौज थोड़ी है तो वो इस मकाम तक कैसे पहुंची कि उसकी बात कोई ना माने ये एक सवाल है जिसके ऊपर आपको कम अज कम दो प्रोग्राम कर आजकल जी, कभी जी ऐसे yes, ये बात नहीं है हुँ. इट्स अ कलेक्टिव एक्टिविटी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है राइट मैन फॉर द राइट जॉब है सिलेक्शन प्रोसेस hmm. है ट्रेनिंग hmm. है फिर एनवायरमेंट्स हैं फिर आपका करियर है hmm. 25-30 साल पे मोहित होता है बाज जजेस इन द हाईएस्ट एपेक्स जुडिशरी के अंदर है टोटल तजुर्बा उनका दस साल का है ऐसे अब आप एक uh, मेजर साहब को उठा के कोर्स फोर्स करा के आर्मी में कमांड चीफ बना दे प्रॉब्लम होगा ना जी आई एम नॉट पॉइंटिंग एंड माय कोई नाम नहीं है नहीं। आप बर्तानिया की आजकल इसमें आपके फोन में भी होगा उनके यहां सुप्रीम कोर्ट पिछले दस पंद्रह साल में बनी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बस गुड वु और कोई ज्यादा होता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उनको लॉ लॉर्ड्स कहते थे अभी तक उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनके लॉ लॉर्ड्स या हाई कोर्ट के जज मतलब इतना बड़ा बैग शैग थैला सर रखा है रेनकोट पर टोपी बाइसाइकल पे छ मील दूर अदालत में आ रहे हैं अंदर आके वो किया आगे पीछे आगे हमारे जब तक सौ दो सौ गाड़ियों का कारवां ना हो, हो हटो बच्चों वो लोग जो सड़क पैदल क्रॉस करते थे या ऐसे भी उनको गाड़ियों का चस्प पड़ गया है एंड वाइसी वर्षा और जब उतरते हैं तो फिर जब उन्हें पता है कि वो भयानक होगा फिर उतरना नहीं चाहते फिर एक हो जाती है कॉम्प्रोमाइज जब उतरना नहीं चाहेंगे तो आप मुझे बताए क्या डिसीजन होंगे ये एक वजह है आई नॉट सी असल में जब हम पाकिस्तान का मतलब क्या ला लल्ला नारे की हद तक तो ठीक है क्योंकि हम इसको अगर जोड़ना चाहते हैं रियासत मदीना से तो छिहत्तर साल की बात नहीं बनती वो रिया मदीना तो फौरन बन गई थी जब जैसे स्ट्रगल के बाद रसूल चालीस साल की उम्र माशाटी थ्री में आप पर्दा कर गए थे तो तेईस साल में इमेजिन क्या हो गया ये मुजा नहीं है द लाइफ ऑफ रसूल इज बिल्कुल उनकी हर चीज हमारे सबक है हम एज ए इस्लामी जमहूरिया किसी चीज को अडॉप्ट किया हमने नहीं अदल इंसाफ इक्वालिटी इवन नेबरहुड खुरादिर खुदाबीय की बात करते हैं एक्सक्यूज मी हम अपने बंदों के साथ वो बात कर रहे हैं सुलह ए खुदाबीय कितनी बड़ी चीज थी जैसे इट लेड टू फतेह मक्का नॉट सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अच्छा हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल कल्चर है गाड़ियों के कारवां का जैसे आपने तذکرہ किया अगर आप ऑनेस्ट डिसीजंस करें ट्रांसपेरेंट डिसीजंस करें और आपके मामला बिल्कुल फेयर हों तो क्या आपको किसी सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल की ज़रूरत है देखिए आपको ख़तरा तभी है ना जब आप गलत फैसले करते हैं किसी भी फोरम पे हों किसी भी डिपार्टमेंट में आप हों जब आप लोगों का हक हाँ मजहब करेंगे जब आप कानून के मुताबिक डिसीजंस नहीं करेंगे जब आप लोगों को बरसा बरस अजियत में रखने के बाद इक्कीस इक्कीस तेईस तेईस साल के बाद आगे डिसीजन करेंगे तो वो जो फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में आप खुद जनरेट कर रहे हैं तो उसका रिवर्स रिएक्शन आने का खदशा फिर आपको होगा ना मैंने अगर किसी का हक नहीं मारा तो मुझे किसी से क्या खतरा है आप डी एच ए से निकले या आराम से पहुँच के आपको कोई खतरा नहीं था इसलिए आपको किसी को लेना देना नहीं है लेकिन अगर आपने दस बंदों का हक मारा होगा तो घर से निकलते हुए आप दाएँ बाएँ भी देखेंगे आप आगे पीछे भी लोग लगाएंगे कि यार मुझे वहां तक पहुंचा दो तो हमारे यहाँ ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है उसकी बुनियाद सिर्फ वो एक लग्ज़री को एंजॉय करना नहीं है बल्कि जो खलीफा वक्त है वो अगर गलियों में बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के बग़ैर किसी हिफाजत के फिरता है तो उसकी बुनियाद ये भी तो है ना कि वो अपनी रियासत के हर शहरी के हक का ख़्याल रखता है खुलफा राशद खलीफा वक्त जाते थे बहुत उसके सैकड़ों साल बाद चले जाएँ सुल्तान महमूद की बात कर लीजिए गजनवी ले लीजिए यहाँ पर बहुत सारे बादशाह रात को जी। जाके देख के आते थे अपना हाथ नब पर रखते थे वो ग्रेट थे जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं वो कल्चर आर्टिफिशियल है अना तस्किन रस्ती है सेल्फ एग्राइजमेंट है खुद को बड़ा करना कहते ना बोने रोशनी के पीछे रख के तो अपने साय को कहते हैं देखो मैं कितना बड़ा बड़ा साया हमारे यहाँ ये चक्कर है मैंने भी आपको बर्तानवी हाई कोर्ट के जजेस की मिसाल दी हाई कोर्ट के जजेस बर्तानिया के वो बाइसाइकिल के ऊपर रेन कोट पहन के आ रहा और अपनी विग्स, तो है अपने वेग वो तो आपको पता है सॉर्ट ऑफ कैप तो नहीं होती होती गाउन शाउन वो अपने कमरे में आके पहनते हैं और फिर वापिस बह जाते हैं उनको तो कोई डर नहीं है ये डर नहीं है ये एक अना की एक है है। ह्यूमन वीकनेस वो तालीम का है तरबियत का है माहौल का है और हमको मिनहसल कौम मुझे ये बताइए कौम की असलाह के लिए टीचर्स और प्रोफेसर ज्यादा जरूरी हैं या ब्यूरोक्रेट्स? छोटी सी बात थैंक यू टीचर बेचारे की तनख्वाह देख लीजिए या प्रोफेसर की उसको ना ट्रांसपोर्ट मिलती है ना बिजली मिलता है पुराने वक्त, में। पुराने वक्त में अभी की बात मैं करूं आपकी बात कमर्शियलिज्म का अब जो दौर दौर है ना इसमें तो टीचर बेचारे को रिस्पेक्ट भी उस दर्जे की नहीं मिलती स्टूडेंट समझते हम पैसे दे रहे हैं तो ये हमारा मुलाजिम है इसने पढ़ाना अब मुझे बताइए मॉडर्न अगर हम डेज की बात करते हैं तो अमेरिका बर्तानिया से मॉडर्न कौन है जर्मनी फ्रांस से मॉडर्न कौन है उनके यहाँ तो टीचर को अभी भी करते हैं आपको जर्मनी की मशहूर एंगला मार्कल की मिसाल याद होनी चाहिए जी, जी। कि उसके पास इंजीनियर जाए कि मैडम हमारी तनख्वाह का प्रॉब्लम है यू नो वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट हमारे यहाँ नहीं है ग्रेड से हम आगे पीछे और आने दो तो, तो ये टीचर्स छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं इनकी तनख्वाह हमसे कैसे ज़्यादा है उसने उनकी तरफ देखा और कहा देखो तुम जो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो ये उनकी वजह से वजह से हमारे यहाँ कोई ऐसा सोच सकता है इज़ योर आंसर सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चूंकि टाइम ख़त्म होने के करीब है तो मैं चाहता हूँ कि आप एक कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट है वो दे दें कि पाकिस्तान अपनी आइडियालॉजी और आइडेंटिटी को कायम रखते हुए अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना होगा ये मेरा आखिरी सवाल है मेरा ख्याल है पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर रबत से है मेरे हिसाब से तो उनकी ताली कम्पलसरी करना चाहिए मगर ये तो जुमला मुतजा है और आई मीन इट पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हकदार का हक जो है उसको मिलने में दुश्मारी होती है मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता दुश्मी होता है राइट जॉब right right ये है आंसर इज मोस्ट दसिस आंसर इज नो इसी क्या वजह है जिसने लगाया है उसको और कई दफा ये होता है लगाने वाला खुद इस पोजीशन में नहीं होता आप समझेंगे आजम ने अगर वो सात बंदों से कैबिनेट चलाई थी जी। तो अमेरिका में लॉ है आप चौबीस से ज्यादा कैबिनेट के बंदे रख नहीं रख सकते, नहीं सकते। और वो चौबीस पूरे नहीं होते भाई लॉ रखना पड़ता है उनको बाकी अब हम लॉ है आपने लॉ पास कर दिया मेजोरिटी में पार्लियामेंट में कर दिया और एग्जांपल है ये किसी पर स्पर्शन नहीं है पार्लियामेंट में होने चाहिए आप बर्तानी के बीबीसी में प्रोग्राम देखते हैं भरी होती है हम देखते हैं खाली है अब एक लॉ पास किया है मजॉरिटी हो गया पार्लियामेंट में भाई बंदे कितने थे चालीस कितने वोट दिए 18 बाकी थे अब मुझे बताइए तीन सौ बयालीस की पार्लियामेंट में अगर चालीस बंदे बैठे हैं उनमें से एक बंदे के ऊपर मॉरल स्टेंट होती तो था, कोरम कंप्लीट नहीं का मतलब यह है हम लोग अगर का मारते हैं, जो मारते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो नकब लगती है ना वो लगती है मेरिट के ऊपर और जब आपने आठ लाख बंदों का जिक्र किया एंड वेरी थैंक यू वेरी मचने सही नंबर सही टाइम पे बताया अगर आपके यहाँ ट्रेंड मैन जिसकी बाहर कनाडा जैसे या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क को ज़रूरत है हम उनको उनका काम नहीं दे सकते नहीं। हम बिजली से पानी से तालीम से तकरीबन नाशनासा हो गए मगर ऐसे लोग हैं जो ठंडे कमरों में एसी लगा के दफ्तर से बाहर नहीं निकलते और इन लोगों की किस्मत का वो हिसाब करते हैं फिर बात आती है टीचर्स प्रोफेसर प्रोफेशनल्स वो कहाँ है और फिर एक और प्रॉब्लम एंड में मैं कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है hmm. वो है हमारी आबादी hmm. जितनी रैपिड ग्रोथ हमारी आबादी कर रही है इतनी दुनिया में शायद कोई बड़ा अब हम दुनिया की पांचवें सबसे बड़ी मुमलिकत है hmm. जो एक जमाने में हम बांग्लादेश को मिला के थे hmm. हम हर साल एक न्यूजीलैंड से ज्यादा बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें अपने ऊपर ख्याल रखना चाहिए थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ आ, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा अपने फीडबैक से आगाह रखिएगा अपने मेज़बान मोहम्मद माविया को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़